हमारे घर में ये मतलब सब्जियां होती है, लौकी, तुरई, टोमेटो एंड मिर्ची, पुदीना, कोरिएंडर, बैंगन, भिंडी, बीन्स सब होता है। मॉर्निंग एवरीवन, सनराइज सुबह 7 बज रहे हैं, तो अभी मतलब फूड की प्रिपरेशन चल रहा है। तो आज मैं चावल रसम बनाने वाली हूँ। तो अभी हम लोग हार्वेस्ट करेंगे पुदीना और वो क्या कोरिएंडर लीव्स की, उनसे हम लोग अभी रसम बनाएंगे। पुदीना के पास थोड़ा सा पुदीना का हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। पुदीना, टमाटर और मिर्ची, प्याज, इतना पुदीना हो जाएगा। यहाँ पर मिर्चियाँ भी हैं, तो एक दो मिर्च बहुत है मेरे लिए, तो एक मिर्च ले लिया है और बाकी छोटे छोटे हैं। अभी चलते हैं इधर कोरिएंडर के पास। तो देखिए कोरिएंडर आ गया है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन हम लोग ये वाला लेंगे क्योंकि ये वाला बड़ा हो गया है। कोरिएंडर भी इतना बहुत है, तो चलिए चलते हैं, इतने से हमारा काम चल जाएगा। एक मिर्ची ले लिया है, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया, हरी धनिया। और किचन, अपना किचन में बनाने वाले, अपना किचन गार्डन से हो तो मज़ा ही आता है खाने में, बनाने में भी, मतलब एकदम हम लोग अपना बनाते हैं तो ऑर्गेनिक बनाते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो अभी फ्रेंड्स मैंने एक स्टोव पे चावल रख दिया है दो के। हमारे मतलब साउथ इंडिया में ब्रेक जैसे आप लोग रोटी अपना डेली खाने में बनाते हो, हम लोग चावल ऐसे बनाते हैं। तो एक्चुअली जो मैं अपने अभी मैंने आपको बताया था, हैदराबाद से अपने मम्मी के घर पे आई हूँ, तो और जैसे मैं आई दो तीन दिन के बाद पता चला कि ससुर, मेरा हस्बैंड जो है उनके पापा ससुर जी, आप लोग ससुर जी बोलते हैं, हम लोग माँ मैया बोलते हैं, और उनका मतलब पैर में वो लग गया है चोट, तो उनको मैं मेरे घर से हॉस्पिटल बहुत पास लगता है मेरे मम्मी के घर से, तो उनको हम लोग यहीं पर ले आके रखे हैं मेरे हस्बैंड के पापा को, मतलब ससुर जी को, तो यही रहते हैं। तो उनको मतलब ज़्यादा सब्जियाँ वगैरह खाना पसंद नहीं है, दाल या रसम सांभर ऐसे खाते हैं। दाल रसम सब्जी सांभर तो मैं भी खिला नहीं सकती उनको, क्योंकि वो पैर में जो चोट आई है उसमें उनको वो होता है ना वाइट कलर का, छीमू बोलते हैं हम लोग, वो आ जाएगा, खराब हो जाएगा पैर, इसलिए उनको दाल की आइटम्स नहीं खिला रहे। अभी मैं उनको मतलब शुगर क्वांटिटी भी थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया है 247, तो मैं उनके लिए रसम और दलिया बना रही हूँ। आपको तो पता है ये दलिया मतलब जो होता है गेहूँ की दलिया, उसकी ये चावल बन रहा है, बाकी सब घर वालों के लिए है बगल में। और ये रसम इसलिए बना रही हूँ, चावल में भी खाने लायक होंगे और ये दलिया के साथ भी वो खाएंगे, क्योंकि उनको दलिया की आदत नहीं है ज़्यादा। अभी उनका तबीयत ख़राब है तो उन्हें खिलाना पड़ रहा है, तो मैंने चौक लगा दिया, उसमें लाल मिर्च, थोड़ा सा राई, जीरा और उड़द के दाल, चने के दाल, वो सब कुछ मिक्स मेरे पास रहता है, जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता होता है, वो सब डाल दिया है। और मैंने थोड़ा सा कड़े पत्ते भी उसमें डाल दिया है। तो मैंने ऑलरेडी टमाटर आपको दिखा दिए थे, तो उसके टमाटर, मिर्च का पीसेस, सब का पीसेस कर दिया है। तो अभी टमाटर की पीसेस को डाल दिया है, मिर्च का पीसेस भी डाल दिया है, ऑनियंस भी डाल दिया है। अभी मैं लहसुन अदरक को भी पीस करके डालूँगी, मतलब मोटा मोटा ही पीसूँगी लहसुन अदरक रसम में, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आने के लिए। यहाँ का मतलब एक्चुअली तो मैं हैदराबाद में रहती हूँ,
लेकिन जब यहाँ क्लाइमेट मतलब गांव पे जब आती हूँ मम्मी के घर पे या अपना ससुराल पे, दोनों गांव ही हैं, प्रॉपर गांव है, विलेज स्टाइल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह उठते हैं तो कहीं बकरियों की आवाज़, कहीं पक्षियों की आवाज़, और घर पे तो मुर्गियाँ भी रहते हैं, उनकी आवाज़ अच्छे से आपको आता है। इसलिए मैं अपना मतलब जो वीडियोस बनाती हूँ उसमें म्यूज़िक नहीं डालती, ताकि यहाँ नेचुरली जो आवाज़ है आप सुन सके। मैं म्यूट में इसलिए नहीं रखती हूँ। तो ये सब कुछ मैंने डाल दिया है, अभी इसको अभी फ्राई होना है। इसके अंदर अब क्या क्या डाला है मैंने बता दिया है, लहसुन अदरक पेस्ट करके, और प्याज, मिर्च, टमाटर, इसमें कोई भी चीज़ आप स्किप कर सकते हो। ये खाना है जो हमें हमारे पास है उसे बना सकते हैं, ऐसा नहीं है ये नहीं है तो रसम नहीं बनेगा, ये है तो रसम बनेगा, ऐसा नहीं है। जो है उसे बनाओ, क्या है, अपना स्वास्थ्य को जैसे चाहिए वैसे खाना बना के खाना है। तो मुझे तो पसंद है, मैं जब घर आती हूँ तो मैं खुद खाना बनाती हूँ, मैं खुद सब काम करती हूँ। वैसे तो वो लोग जितना अच्छे से हमको पाल पोस के बड़ा किया है तो हमें भी उनका मदद करना चाहिए। मतलब हम जो पैसे देते हैं या फिर उनको मतलब कुछ दिलवाते हैं, उसमें हम उनको अपना प्यार नहीं दिखेगा। हम लोग उनको साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनके साथ उनको बना के खिलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उसमें ही मतलब मुझे लगता है उसमें ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाता है, वो लोग भी खुश हो जाते हैं उसमें। तो जब मैं घर पे आती हूँ तो मैं अपना मतलब मैं खुद खाना बना के सबको देती हूँ। अभी इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा हींग हल्दी डाल दिया है, और इसमें इमली का जो रस होगा उसको डालेंगे। ये अच्छे से थोड़ा सा पक जाए उसके बाद तुरंत ही इमली का रस को डालना है, क्योंकि ये इमली का जो वाटर है उसमें भी बॉयल होगा। मैं बार बार बोलती हूँ, अगर मेरे हिंदी में गड़बड़ हो सकता है क्योंकि मैं प्रॉपर हिंदी की नहीं हूँ ना, तो अगर कोई भी गलतियाँ है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको चेंज करूँगी नेक्स्ट टाइम। और जितना मतलब इमली में जितना रस होगा वो पूरा पानी डाल के इस रसम में डाल देंगे। और बगल में चावल भी अपना पानी ख़त्म होने वाला है तो उसमें ढक्कन लगा दूंगी तो अच्छे से पक जाएंगे। और हम लोग पानी चावल में नमक नहीं डालते हैं, जो मैं अपने घर पे बात बता रही हूँ, सब नॉर्थ में मैं जहाँ तक देखा है, मैं अपने फ्रेंड्स के आगरा में रही हूँ और राजस्थान में रही हूँ, तो दोनों जगह में चावल बनाने के टाइम पे कुछ लोग नमक डाल के बनाते हैं, कुछ लोग नमक नहीं डालते। हम लोग नमक नहीं डालते, जो नमक है वो हम लोग सब्जी में ही डालते हैं। तो पूरा इमली का पानी तो मैंने डाल दिया है, अब इसको खट्टापन एक बार टेस्ट करेंगे। पूरा पानी जितना रस उसके अंदर होगा उतना रस को पूरा डाल दूंगी मैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है काम क्यों करें हम लोग हर जगह, लेकिन मेरे को तो यहाँ आऊँ तो मुझे ही करना पड़ेगा। मतलब उधर मेरे हस्बैंड के घर ससुराल पे जाती हूँ तब भी मुझे ही करना है, और मैं हैदराबाद जाती हूँ तो तब तो मुझे करना ही करना है, क्योंकि अकेली रहती हूँ उधर, दो बच्चे हैं तो उनको भी देखभाल करना हो जाता है। फिर भी मुझको लगा क्यों करते, तो बहुत कुछ है, ऐसे कोई इनकम नहीं है, मतलब कोई जॉब नहीं है, लेकिन काम तो बहुत हो जाए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझको सजेस्ट किया, अगर तुमको ऐसे लग रहा है तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम यूट्यूब में अपना व्लॉग्स या कुछ शेयर कर सकती हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने बताया। लेकिन मैं ऐसी लड़की थी अपने कॉलेज में, मतलब एक तस्वीर खींचने में भी मैं बहुत डरती थी। मतलब मुझे लगता था ये सोशल मीडिया में डाल देंगे, यहाँ वहाँ कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ हो जाएगा अपना फ़ोटो से, क्या होगा इसे। लेकिन अब
शादी होने के बाद अभी मुझे उन अगर वो सपोर्ट मुझे करते हैं तो मैंने भी सोचा क्या है इसमें, सब लोग व्लॉग्स बनाते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे करके। बहुत लोग होते हैं अच्छे लोग, सब्सक्राइब भी करते हैं, मतलब लाइक करते हैं वीडियोस को, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देते हैं। मतलब 100 कमेंट्स आ रहा है तो उसमें एक गलत कमेंट है, 99 अच्छे कमेंट्स है। तो अच्छे को देखो, बुरे के क्यों देखना। ऐसे मैंने भी अपना मन बना के मैंने चैनल में अपना व्लॉग्स डालना शुरू किया था, और पहले भी मैंने चैनल्स ओपन किया था उसमें मैं फूड की रेसिपीज वगैरह डालती थी, लेकिन उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने सोचा फिर ठीक है अब कुछ नया करते हैं। वैसे तो हम लोग आंध्र के लोग हैं, अपना जीवन शैली नॉर्थ इंडियन से अलग होती है, और जो हिंदी की मेंबर्स है हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ट्रेडिशन को, तेलुगु ट्रेडिशन को हिंदी में क्यों ना प्रेजेंट करूं, हम लोग क्या खाते हैं, क्या बनाते हैं, कैसे रहते हैं, ऐसे करके मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया। तो चलिए ये रसम बन गया है, इसके अंदर अभी मैंने गुड़ भी डाल दिया है, पुदीना और जो धनिया है वो भी मैं कट करने से पहले धो देती हूँ, क्योंकि कट करने के बाद डालती हूँ ना तो उसमें से जो खुशबू होती है वो निकल जाता है, तो मैं कट करने से पहले ही धो के उसके बाद कट करके डालती हूँ। देखिए पहले धोती हूँ उसके बाद कट करती हूँ। तो ऐसे ही मैं अपना मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो आपको भी अच्छा लगे, आप भी थोड़ा सा मतलब अपने लाइफ में भी कुछ अच्छा महसूस करें, और ऐसे अगर आपको भी खाना बनाना, सबको खिलाना पसंद है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे जैसे भी बहुत लोग होंगे, मतलब काली बेटे होंगे जो व्लॉग्स बनाने के लिए सोच रहे हो, तो वो भी मैंने कैसे किया, मैं एडिटिंग कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, ये सब काम मैं ही करती हूँ। पहले तो मैं जो उसमें जो करती थी ना, मतलब रेसिपीज मैंने डाला था ना, उसके लिए तो मुझे तब तो मेरे पास स्टैंड भी नहीं था। मैंने अभी बस एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया, क्योंकि ऐसे मतलब कुकिंग में करूँगी तो कौन वीडियो खींचेगा ऐसे करके। अब ये रसम तैयार है, इसके अंदर अभी मैंने जो जो पाउडर डाला है वो मैं आपको बताऊँगी। धनिया का पाउडर डाला है, मिर्ची का पाउडर डाला है, और ब्लैक पेपर की पाउडर डाला है, और इसमें इमली का रस है, प्याज है, मिर्च है, टमाटर है, खड़े पत्ते हैं, और हल्दी है, नमक है, और पुदीना है, कोरिएंडर लीव्स है। अब कोरिएंडर लीव्स को डालना बाकी है, डाल दूँगी। गुड़ भी है। इतने सारे चीज़ें डाल के मैंने ये रसम बना लिया है। अभी इसको बनने के बाद चावल का बनना ख़त्म हो गया है, अभी मैं उधर दलिया बनाऊँगी। शुगर जिनको ज़्यादा होता है उनको चावल खानी नहीं चाहिए, तो इसलिए मेरा मामा जी मतलब वही ससुर जी को दलिया खिलाने के लिए, चावल के बगैर खिलाने के लिए मैं दलिया बना रही हूँ। मैं अगर रोटी चपाती बनाती हूँ ना तो उनको दांत मतलब थोड़ा वीक है, वो थोड़ा एज्ड है, तो उनको खाने में दिक्कत होगी रोटी खाने में, इसलिए मैं उनके लिए दलिया बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक कम है, मैंने टेस्ट किया है, तो अभी मैं नमक डाल रही हूँ। ये जो है हो गया है, अभी रसम का बनना खत्म हो गया है, अब दलिया बनाएंगे। दलिया तो बनाना आप सबको पता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट की बनाते हैं, लेकिन मैं अभी चौक भी नहीं लगा रही हूँ, ऐसे ही नॉर्मल दलिया बना रही हूँ, क्योंकि रसम के साथ खाना है तो ऐसे ही मतलब सही रहेगा। तो एक कटोरी रख दिया है, उसमें 8 स्मॉल ग्लासेस की वाटर मैं अभी लाके डाल दूँगी, नाप के ही डालती हूँ, कभी कभी ऐसे अंदाजे से भी डाल देते हैं। 2 ग्लासेस सेम नाप की हैं, तो एक ग्लास से मैं वाटर डाल रही हूँ, 8 ग्लासेस डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे 2 ग्लासेस की दलिया डालना है।
कल पूरा मतलब सिटी पे जाके ग्रोसरीज लेके आए हैं। गांव में भी मिलते हैं लेकिन उधर मार्ट में जाते हैं तो अच्छे से मिलता है ना, तो डीमार्ट में जाके ले आते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में विशाल मार्ट ऐसे हम कुछ मार्ट्स होते हैं, वैसे इधर डीमार्ट मोर ऐसे होते हैं। तो मैंने 2 ग्लासेस दलिया भी ले लिया है, जब पानी गर्म हो जाएगा तब मैं ये दलिया को उस पानी में डाल दूँगी। 2 ग्लासेस दलिया के लिए 8 ग्लासेस वाटर लिया है मैंने। पानी गर्म हो गया है, अभी मैं डाल रही हूँ। दलिया भी बस 5 मिनट में बन जाएगा क्योंकि ये छोटे छोटे दाने वाले हैं और रसम का तो बनना ख़त्म हो गया है। अब टेस्ट करके नमक मिर्च, अगर खट्टा ज़्यादा है तो थोड़ा सा पानी डालूँगी, अगर नमक कम है तो थोड़ा नमक डालती हूँ, मिर्ची ज़्यादा है थोड़ा सा पानी डाल के नमक पानी डालती हूँ, अगर गुड़ कम है तो गुड़ डाल देती हूँ। बहुत कलरफुल लग रहा है ना, इसमें पावर नहीं है अभी इसलिए आपको ऐसे डार्क दिख रहा है, लेकिन जब पावर होता है तो अच्छे से दिख जाता है। रसम का मतलब गैस को मैंने बंद कर दिया है, अभी जाके थोड़ा सा धनिया ले आऊँगी। ये अपना होम गार्डन में धनिया ही है, बहुत स्मेल अच्छा आता है, फ्रेश वाला है। मैं आपको दिखाया अभी है, अभी वीडियो में स्टार्टिंग में वो पूरा मैंने डाल दिया था, लेकिन अभी कच्चा भी डालूँगी लास्ट में। वेजिटेबल लीफी वेजिटेबल्स का क्या है, जितना का हो उतना अच्छा है हमारे लिए। तो मैं ले आई हूँ, अभी डाल देती हूँ। मतलब इतना नरम है कि मैं अपना हाथ से ऐसे से कर रही हूँ तब भी अच्छे से हो जा रहा है। अब ये बन गया है, इसको साइड में रख देते हैं। अब ये दलिया बन जाए बस। जो ससुर जी है वो आप ससुर जी बुलाते हो, लेकिन हम लोग मामैया मामा जी ऐसे बुलाते हैं। हाँ, आपकी और हमारी ट्रेडिशन बहुत अलग है। मतलब भाई बहन होते हैं, अगर भाई का लड़की है और बहन का लड़का है तो लड़का लड़की की शादी कराई जाती है, लेकिन आप लोगों में भाई बहन मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पहले से ही छोटे से ही जीजू बुलवाते हैं उसको, मतलब बाबा बोलते हैं। आपने बहुत मूवीज़ में भी देखा होगा, साउथ के मूवीज़ जो डबिंग वाले होते हैं, एक बार आप चेक कीजिए अगर मैं गलत नहीं बोल रही, होता है ऐसे। अब देखिए दलिया तो बन गया है, अभी मैं इसको बंद करूँगी क्योंकि ज़्यादा मतलब वो हो जाएगा तो फिर मामा जी को टाइट सा लगेगा, तो अभी ये अच्छे से हो जाए, बंद करके उनको खाने के लिए दे देंगे। अच्छे से जला चला रही हूँ क्योंकि अंदर से मतलब नीचे से जल नहीं जाए और ये छिलके छींटे आके हाथ में या नीचे गिर जाते हैं अगर चलाऊंगी नहीं तो। इसके आस को भी बंद करते हैं, एक प्लेट लेके उनको खाना दे देते हैं। ये सुबह की ब्रेकफास्ट टाइम है। नीचे कितना आएगा, तो चलिए अभी मैं कपड़ा लेके ऐसे दे देती हूँ। इतना बहुत है, अगर वो खा लेंगे तो दोबारा मैं दे दूँगी, रसम डाल के दूँगी। ऐसे नॉर्मल वाला खाने में उनको अच्छा नहीं लगेगा। अब ये बन गए गेहूँ के चावल मतलब चलिए देते हैं। और बन गया है, और मैंने अपने मामा जी यानी ससुर जी को भी मैंने खिला दिया है। ये मेरे हस्बैंड के मतलब फादर है।